अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यूसुफ उद्दीन और आप देख रहे हैं चैनल से जॉब सिटी। तो एक और आज आपको वीडियो जो शेयर कर रहा हूँ लोन की, जिसमें आप विदाउट ट्रस्ट के, विदाउट यानी कि आप कह लें बगैर सूद के लोन ले सकते हैं, किस तरह पॉसिबिलिटी है, इसका क्राइटेरिया क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, मेरी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। इसका मैं टोटल प्रोसीजर बताने वाला हूँ। इसकी एडवर्टाइजमेंट जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, देखें बैंक इस्लामिक में आप बिल्कुल बगैर सूद के कर्ज ले सकते हैं और वापसी भी आपकी 25 सालों में हो सकती है, घर के लिए, गाड़ी के लिए या काफ़ी इसमें कैटेगरीज़ हैं। मैं एग्जांपल आपको दिया एक एडवर्टाइजमेंट बना के कि आप ये बैंक इस्लामिक से कैसे ले सकते हैं, कौन से सिटी वाले ले सकते हैं, एज लिमिट क्या है और इसका क्या प्रोसीजर है। मैं इसका टोटल आपको डिटेल इसकी बताऊंगा। सबसे पहले बताता चलूं, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें कि आपको जो भी इस तरह की इंफॉर्मेशंस या जॉब अलर्ट्स पंजाब की, पाकिस्तान की, पूरी इंटरनेशनल लेवल्स की कोई भी अच्छी आए तो मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ। पर्सनल लोन के मतलब मैं आपको बताता चलूँ, मैंने पहले भी कुछ एक जैसे एक ये पर्सनल लोन की वीडियो शेयर की थी, बहुत से लोगों ने लाइक किया और बहुत से कमेंट्स ऐसे आने शुरू हुए कि हमें और भी ऐसी कोई वीडियो बताएं, चूँकि पहला कर्ज वो प्रोसीजर नेक्स्ट स्टेप पे जा चुका है। तो अब ये वाली जो सी वीडियो है ये एक नई इस्लामिक बैंक की है, इसमें आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या आप कैसे इनके बैंक में जाके इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और विदाउट ट्रस्ट कैसे, यानी कि बगैर सूद के कैसे कर्ज हासिल कर सकते हैं, ये मैं आपको टोटल प्रोसीजर इसको बताने वाला हूँ। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर किया करें, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत आपकी वजह से भी पूरी हो। तो चलें शुरू करते हैं। आपने अपने ब्राउज़र में ये जो लिंक है मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूँगा, डायरेक्टली ओपन कर लेना है। इसके अंदर क्या चीज़ है, आपको इसकी जो सबसे पहले स्टार्टिंग में इसकी बता देता हूं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मींस के पाकिस्तानियों को ही ये कर्ज मिल सकता है। ऑल मेजर सिटीज जहां पे BIPL ब्रांच एग्जिट हो, यानी कि जहां पे इनकी ब्रांच हो। कैसे इनकी ब्रांच, सबसे पहले देख लेते हैं बैंक इस्लामिक की ब्रांच पाकिस्तान में कहां कहां पे है। तो एग्जांपल मैंने गूगल ओपन कर लें आप अपने पास, रिपीट डेट मेरे पास, देखें जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप मुझे, बहुत लोग कॉल करके वीडियो देखते नहीं है, मुझे कॉल कर लेते हैं जी हमें इसके मतलब ये चीज़ बताएं, भाईजान मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी रहनुमाई कर सकूं। आप पूरी वीडियो वॉच कर लिया करें, कि कोशिश मेरी यही होती है कि मेरे पास जितना नॉलेज है तो मैं आगे आपको कन्वे कर लूं, और अगर कोई मिस्टेक रह जाती है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो आगे इनको आप इनसे रابطہ भी डायरेक्टली कर सकते हैं, जिनसे यानी कि जिनके मैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं जिनकी शेयर कर रहा हूँ। तो बैंक इस्लामिक की जो मैं आपको बताने लगा हूँ, गुजरांवाला में ब्रांच कहाँ पे, चूंकि मैं गुजरांवाला से हूँ, गुजरांवाला में मैंने इसके आके ब्रांच पे जब क्लिक किया, एंटर किया, तो ये देखें मैप ओपन होके आ गया। जब मैंने मैप ओपन होके आ गया तो मुझे पता चल गया गुजरांवाला में बैंक इस्लामिक की किस किस एरिए में ब्रांच है, ये आपके सामने आ गई। ये बताने का मकसद ये है कि आपने जब अगर इस बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपकी सिटी में इसका ब्रांच होनी चाहिए, ठीक है। तो आप किसी भी सिटी से हैं तो आप इस तरह बैंक इस्लामिक अपने सिटी का नाम ब्रांच लिखें तो आपके सामने उसकी डिटेल और उनका फ़ोन नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। हम आते हैं आगे, ये तो आ गया कि आपके पास, यानी कि यहाँ पे सारी डिटेल आ गई कि जो कर्ज ले सकते हैं 25 से 35 साल के दरमियान के जो लोग हैं वो ले सकते हैं, ठीक है, और दो लोग मिलके भी ले सकते हैं। ये स्पेशली मैं बताता चलूँ, रिपीट डेट दो या तीन लोग मिलके भी ले सकते हैं, ठीक है, और इसमें भी एज बताई गई है 21 से 70 तक। और इसमें एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉयज़ लेना, कोई मसाले कोई जॉब करता है वो अगर लेना चाहता है तो उसके लिए उसको मिनिमम 6 मंथ करंट एम्प्लॉय एट 2 ईयर आपको, यानी कि 2-6 माह से या 2 साल तक अपनी जो सी एक्सपीरियंस लेटर है या आपका जो वो आपको यानी कि शो करवाना पड़ेगा, और 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आप कर रहे हैं तो आपको वो भी अपनी यानी कि वो अपना ना वहाँ का लेटर एक शो करवाना पड़ना है। मीन्स क्या, डिटेल में और बात करते हैं। जो जॉब करता है उसकी सैलरी मिनिमम 60,000 हो वो कर्ज ले सकता है। अब आप कहें जी 60,000 तो कोई पहले लेने वाला कैसे इतने अप्लाई करें, भाईजन यहाँ पे ऊपर रिपीट डेट दो लोग मिलके भी ले सकते हैं, यानी कि जो 30,000-30,000 है वो भी ले सकते हैं। बिजनेसमैन अगर 10 लाख, जिस 1 लाख जिसकी महीने की इनकम हो, दो बंदे मिलके ले सकते हैं जो 50,000-50,000 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे NRPS जिसकी 80,000 रुपया पर मंथ इनकम हो, ठीक है।
अब आगे आपके चीज़ आ जाती है, यहाँ पे सारी आपके पास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आ जाते हैं कि आपको आईडी कार्ड की कॉपी कौन सी चाहिए, यानी कि अगर कोई मिक्स ले रहा है आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कापी होनी चाहिए, ठीक है, अगर दो ले रहे हैं उनकी अलहदा अलहदा, और आपके पास कंप्लीट फिल एप्लीकेशन फॉर्म विद एप्लीकेंट प्रोफाइल रिपोर्ट, ठीक है, कापी एट लास्ट 6 मंथ पेड यूटिलिटी बिल्स, यानी कि आपके पास जो सी कापी होनी चाहिए 6 माह की, जैसे ऑब्वियसली घर में गैस और बिजली तो होता है, उनकी आपके पास फ़ोटो कापी भी होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसकी आपके पास ये भी डिटेल लिखी हुई है, सैलरी पर्सन की भी डिटेल लिखी हुई है, बिजनेसमैन की भी लिखी हुई है। अब मैं हिंट इसलिए कर देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं हिंट में बता रहा हूँ, आप आके इसमें सारा एक्सप्लेन जो भी लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो इनका प्रोसीजर हो गया कि आप आके इसका एलिजिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, आप एलिजिबिलिटी, ये एक्चुअल लिंक जो सा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अब बात आती है अगर फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैंने ऑनलाइन अप्लाई नो पे जब क्लिक करता हूँ, अपना नाम, सेल नंबर, सिटी, ईमेल, और आपने आके जैसे होम फाइनेंस जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख लें। अब एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने इसको सबमिट कर लिया, क्या मैं ये गर्ल्स मुझे ले सकता हूँ, तो भाईजान आप ऊपर से सारी डिटेल पढ़ लें, रिलेशनशिप ऑफिसर के पास ये फाइल आपकी चली जाएगी, वो आपको कॉल कर लेगा, आपको सारा एक्सप्लेन करेगा। देखें इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि या तो आप अप्लाई कर ले और आपसे बैंक वाले बैंक या रिलेशनशिप ऑफिसर आपसे रब्ता कर लेगा, आपकी फाइल एक रेडी हो जाएगी, जैसे एक प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, वो आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा कि आप किस तरह कर्ज ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते अप्लाई, कोई एग्जांपल कंप्यूटर को इतना नहीं जानता, तो वो आप वो अपने इनके जो है ना इनका ऑफिस है उनको विजिट कर सकता है। जैसे मैं आपको रिपीट डेट बता दूं, जैसे मैं गुजरांवाला से हूं, आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी हैं, लेकिन रिपीट डेट ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए कर्ज़ है, तो जो आपके नियरेस्ट आपकी ब्रांच होगी आप गूगल में सर्च कर लें, आपके पास फ़ोन नंबर आ जाएगा, आप उनको कॉल कर सकते हैं या इनके ऑफिस में जाके, एग्जांपल मैं नियरेस्ट जैसे एग्जांपल गूगल मैप में जा रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा मेन बाज़ार में किस जगह पे इनकी ब्रांच है, आप उनकी ब्रांच जाके विजिट कर सकते हैं, वो आपको सारा एक्सप्लेन कर देंगे कि उनका क्या प्रोसीजर है। देखिए रिपीट डेट मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, मेरे में कुछ कमी कोताही हो सकती है उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन अगर जैसे कोई भी वीडियो शेयर करता हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जनरेट करूँ और बाकी लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ। तो ये पर्सनल लोन की एक और वीडियो मैंने शेयर की है, तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, कुछ और भी वीडियोस भी मैंने शेयर की थी, आप मेरे चैनल को सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें एक अकूवत की थी जिसको काफ़ी लोगों ने लाइक किया। और आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, अगर कोई भी गुजरांवाला पाकिस्तान के कोई भी लोग अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमारी मेरी सर्विसेज ले सकते हैं, मैं अपने चैनल पे आपके बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट करूँगा, जिसमें आपको अगर आपकी बिज़नेस की एडवर्टाइजमेंट ऑब्वियसली इसलिए करूँगा कि एडवर्टाइजमेंट जब आप करते हैं तो आपकी ज़ाहरी बात है लोगों को पता चलेगा आपका बिज़नेस अच्छे लेवल पर जा सकता है। तो ये जैसे मैं अपनी एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं इन्फॉर्मेशंस का, या जो अपने बिज़नेस के मुतल्लिक कुछ एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मेरी रहनुमाई ले सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर आपके सामने है। तो रिपीट डेट मुझे बहुत कॉलें आती हैं मेरे भाई बहनों, मुझे कॉल्स करते हैं, जैसे मैंने अमेज़न बैंक की जॉब्स लगाई है, जापान के वीज़े लगाता हूँ, भाईजान मैं ना तो कोई एजेंट हूँ ना कोई ऐसा मेरा काम है कि जिसमें मैं लोगों से पैसे लेता हूँ, जापान के वीज़े गवर्नमेंट लेवल पे आए हैं, और अगर किसी और मुल्क के वीज़े लगाता हूँ तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन मैं जनरेट करता हूँ, वो मैं शेयर करता हूँ फ्री ऑफ कास्ट, मैं किसी से कोई चार्जेस नहीं लेता। मुझे बहुत लोग कॉल करते हैं जी हमसे 50,000 ले लें, लाख ले लें, 2 लाख ले लें, महजन मैं नहीं चार्जेस लेता, मैं ये फीस अभी लीला काम कर रहा हूँ, किसी की रहनुमाई कर रहा हूँ, आप लोग ही कर रहा हूँ, और आप इस चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें कि किसी की ज़रूरतमंद की ज़रूरत आपकी वजह से भी पूरी होती रहे। तो इस चैनल को रिपीट डेट आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और इसको सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन चैनल है। तो इजाज़त दें, अगली वीडियो तक मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।